नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज 24 और मैं हूं नेहा आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। जुमे की नमाज से पहले पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, सुरक्षा का दिया आश्वासन। बंगरा मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्र व बाजार में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी शिवहरि मीणा के आदेशानुसार जुमे की नमाज को दृष्टिगत रखने और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु थाना उल्दन के कस्बा बंगरा में थाना अध्यक्ष उल्दन अजमेर सिंह भदौरिया एवं चौकी प्रभारी बंगरा नरेंद्र कुमार सिंह ने मैं फोर्स के साथ फ्लैग मार्च करते हुए लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। जुमे की नमाज के बाद कोई हिंसा और उपद्रव ना हो, इसके लिए लोगों से भी अपील की गई कि वह अपने आसपास की मस्जिदों में नमाज अदा करें या फिर अपने घरों में ही नमाज अदा करें, किसी के बहकावे में ना आएं और माहौल को शांतिपूर्ण बनाए रखने में सहयोग दें। इस दौरान पुलिस ने अपनी पूरी तैयारी दिखाई कि हम किसी परिस्थिति से निपट सकते हैं। उल्दन थाना प्रभारी निरीक्षक अजमेर सिंह भदौरिया ने लोगों को चेताया कि अगर किसी ने माहौल खराब करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बताया कि सभी धर्मगुरुओं से बात करते हुए शांति बनाए रखने के लिए क्षेत्र में तैयारी के साथ साथ गश्त कर रहे हैं। हमें नहीं लगता कि कोई कानून व्यवस्था तोड़ने की कोशिश करेगा। वहीं चौकी प्रभारी बंगरा नरेंद्र कुमार सिंह ने लोगों को समझाते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी धर्म के बारे में गलत टिप्पणी ना करें एवं कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट शेयर ना करें। सोशल मीडिया पर पुलिस की कड़ी नज़र है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही लोगों से अपील की कि अराजकता फैलाने वालों की जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचना दें। बंगरा से संवाददाता प्रदीप सिंह गौर के साथ अमित सोनी की रिपोर्ट।